प्रिपरेशन था बहुत सारी चीजों पे, हमने स्पीयर निकालने सीखे थे, एक तो देसी तरीका पढ़ा था, एक विदेशी तरीका जिसमें मतलब ट्रिक थी बहुत सारी। आखिरी में हमको चर्चाएं कर रहे थे, मुझे उम्मीद है आपने उन चर्चाओं में प्रॉपर हिस्सा लिया होगा कल की क्लास में, आपने तैयारी भी की होगी घर पे जाकर प्रैक्टिस की। तो आइए दोस्तों अब कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो डाटा आपके सामने लिखा हुआ है एक बार इसको पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा डाटा। मैंने गूगल से उठाया इसलिए कुछ कुछ लिखा आ रहा है, बिठा देते हैं। दोस्तों थोड़ा अगर सुंदर तरीके से देखेंगे तो आपको चीजें थोड़ी सुंदर सी दिखाई देंगे और समझ में आएंगी। और यहां से जो हम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, बड़ी खतरनाक ऑब्जर्वेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। आज हम बेसिकली स्क्वायर रूट की तरफ बढ़ेंगे, वर्गमूल की तरफ बढ़ेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको बहुत सारी चीजें आती हो समझ में। देखिए मेरे दोस्तों, एक कवर एक हुआ, दो कवर चार हुआ, तीन कवर नौ हुआ, चार कवर सोलह हुआ, पांच कवर पच्चीस हुआ, छह कवर छत्तीस हुआ, सात कवर उनचास हुआ, आठ कवर नौसठ हुआ, नौ का इक्यासी, दस का सौ, ऐसे मैंने पच्चीस तक के वर्ग लिखे आपके साथ। कहां तक के वर्ग लिखे हैं? पच्चीस तक के वर्ग लिखे हैं। खास बातें हैं, उन सारी खास बातों पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप एक चीज गौर करेंगे कि कोई भी परफेक्ट स्केल नंबर जो है उसका यूनिट डिजिट किसी भी हालत में दो तीन सात और आठ नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, सात नहीं है, आठ। जैसे जैसे सवाल का तो आप यूनिट डिजिट चेक करिए, एक मिल गया, मैं क्या कर रहा हूं, यूनिट डिजिट चेक करेंगे मेरे बच्चों, एक मिल गया आपको, हां ना, चार मिल गया, नौ मिल गया, सोलह मिल गया, पांच मिल गया, छह मिल गया, पांच मिल गया, छह मिल गया, नौ मिल गया, चार मिल गया, एक मिल गया, जीरो मिल गया, यानी ये कोई नंबर एन है तो ये बेसिकली उस नंबर का स्क्वायर है मेरे बच्चे। तो मैं सवाल में यही कह रहा था कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं मेरे बच्चे, भाई क्या नाम है, श्रिया, आपको जन्मदिन मुबारक हो। तो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी एनसीईआरटी फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो उसका आखिरी डिजिट किसी भी हालत में दो तीन सात और आठ नहीं होता। सिन टू करेक्ट सी फॉर जीरो बराबर एक क्यों होता है, बाद में समझ लेना, जब पावर शॉर्ट सेंटेंस समझाऊंगा मैं बताऊंगा। तो एन स्क्वायर का परफेक्ट, अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट किसी भी हालत में दो तीन सात और आठ नहीं होता। आप देख रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट दो तीन सात आठ नहीं होता। जैसे अगर हम एक का कर रहे हैं तो एक कवर एक आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। और यहाँ जी अगर हम इनका वर्क करें तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे ये जीरो पावर का यूनिट डिजिट जीरो रहेगा, एक का एक, दो का चार, तीन का नौ रहेगा, चार का सोलह का यूनिट डिजिट, पांच का पच्चीस रहेगा, छह का छत्तीस रहेगा, सात का उनचास यूनिट डिजिट, आठ का चौसठ यूनिट डिजिट, चार, नौ का इक्यासी यूनिट डिजिट, एक। तो आपने गौर किया कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट जीरो हो सकता है, ना, एक हो सकता है, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दो हो सकता है, दो कहीं दिखाई दिया तो नहीं है जी, तीन दिखाई दे रहा है, नहीं है जी, चार दिखाई दे रहा है, हाँ जी चार हो सकता है, यहाँ पे भी चार, चार हो सकता है, ठीक है, पाँच हो सकता है जी, हाँ हो सकता है, छह हो सकता है जी, हाँ हो सकता है, सात हो सकता है जी, नहीं दिखाई दे रहा, आठ हो सकता है जी, नहीं दिखाई दे रहा, नौ हो सकता है, हाँ जी सात का नौ हो सकता है, तीन का वाला होता है, और भी नौ हो सकता है। इसका मतलब ये बना मेरे पहले बच्चों कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट या तो जीरो होगा या एक होगा या चार होगा या पांच होगा या छह होगा या नौ होगा, किसी भी हालत में दो तीन सात और आठ नहीं, किसी भी हालत में मेरे पहले बच्चों दो तीन सात और आठ नहीं। पहली चीज ये बात बहुत ध्यान से समझने की है, टलकाने की नहीं है, इस बात को समझिए। तो मैंने कहा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट दो तीन सात और आठ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, चारों लिखा हुआ है। ये मेरा सवाल है कि जी बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्केयर नंबर है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है, पहली नजर ये करनी है कि भाई कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्केयर होगा तो हर हाल में उसका आखिरी डिजिट जीरो एक चार छह चार पांच छह और नौ हो सकता है, दो तीन सात और आठ नहीं हो सकता है, ना, इसका मतलब ये आठ नहीं हो सकता, ये सात नहीं हो सकता, दो है नहीं हो सकता, यानी चार हजार छियानवे हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कंफर्म है या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ए सी और डी ऑप्शन चारों तीनों गलत है, चार में से तीन ऑप्शन गलत है, तो चौथा मेरे लिए सही हो सकता है, ना। तो यहां पे जो हम तैयारी करेंगे उसी बात की करेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो पहला नियम तो हमारा ये बनकर निकला कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसका यूनिट डिजिट जीरो एक चार पांच छह और नौ, उसके अलावा नहीं, ठीक है। अब आते हैं जी अगले नियम पे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज एंड्स ओनली पेयर ऑफ जीरो, कहता है जी पूर्ण वर्ग संख्या अगर कोई होगी तो हर हाल में खत्म जहां हो रही होगी उसके एंड में दो जीरो हो रही होगी। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के आखिरी में अगर जीरो है, मान लीजिए मैं बीस का वर्ग करूंगा, आप इसका वर्क करोगे तो आंसर आएगा चार, है ना। तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, मान लेते हैं दो तीन पांच सुने, मैं कहूँ बताओ बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप ये कहेंगे सर ये किसी नंबर का वर्क होगा तभी तो ये उत्तर आएगा, और हमें यही चेक करना है कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका यूनिट डिजिट जीरो है, तो जीरो तो तभी आ सकता है, अभी सिखाया कि भैया जीरो यूनिट डिजिट केवल एक ही किस्म आएगा जब जीरो का स्क्वायर हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो जीरो है, जीरो रहा होगा और आगे कुछ होगा, लेकिन अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट जीरो है और उसका वर्क करोगे तो आखिर में दो जीरो आएंगे, है ना, या उसमें दो सौ होता मान लो तो फिर इसका वर्क होता है चार जीरो, हाँ ना। तो मैं आपको एक्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा और अगर उसके आखिरी में जीरो है तो हर हाल में जो जीरो होंगी वो पेयर ऑफ जीरो होनी चाहिए, यानी या तो दो जीरो होंगी या चार जीरो होंगी या छह जीरो होंगी या आठ जीरो होंगी या दस जीरो होंगी, ऐसा नहीं है कि तीन जीरो आ गई पांच जीरो आ गई, ऐसे नहीं होगा। तो इस पे सवाल ऐसे हो सकता है, बेसिक चार ऑप्शन दे दिए और कहे कि विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, वन इज परफेक्ट स्क्वायर, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, जीरो
पूछो कि इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, आप ये बताइए इनमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, आपको ये चर्चा करनी है। आपको सबसे पहले ध्यान देना कि सर कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आखिर में पेयर ऑफ जीरो होनी चाहिए। यहाँ एक जीरो है ये तो नहीं होगा, यहाँ तीन जीरो है ये भी नहीं होगा, यहाँ दो जीरो है हो सकता है, यहाँ चार जीरो है हो सकता है, यानी दोनों में ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन मेरे पहले बच्चे एक बात बताऊँ, ये अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये तो तय है कि इसके आखिरी दो डिजिट जीरो है, तो उस नंबर का यूनिट डिजिट जीरो होगा, है ना, यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे बच्चे जीरो होगा। और यहाँ कोई नंबर लिखे गए होंगे तो जीरो के अगला जो नंबर होगा भले इसका पूरे कवर कर रहे होंगे तो जीरो को हटा भी दूं तो यूनिट डिजिट क्या दो आ सकता है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। जैसे समझाता हूँ एग्जांपल से, भाई मान लिखा 120 कवर करिए, आप इस पैसे भी लिख सकते हैं 12 गुना 10 कवर करिए, आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 12 कवर कर दो 10 कवर करो, तो 12 कवर 144 और 10 कवर 600, तो यानी 144 डबल जीरो। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों कि ये जो डबल जीरो है ये तो तय है कि ये इसलिए बनी होगी क्योंकि आखिरी डिजिट जीरो होगा, है ना, यानी मैं इतनी बात को अगर समझ पा रहा हूँ तो मुझे ये समझ लेना कि आखिरी डिजिट जीरो होगा उसी की वजह से आखिरी में दो जीरो आए होंगे। तो इस बात का मतलब ये बना कि अगर मैं वो जीरो वाला सीन हटा दूं तो बाकी जो डिजिट बचेगा उसका भी तो मुझे स्क्वायर करना होगा, तो मुझे देखना कि क्या उनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट चार आ सकता है, आप नहीं आ सकता है। लेकिन पीछे मैंने बताया कि किसी भी नंबर का वर्क करेंगे, किसी भी नंबर का वर्क करेंगे तो किसी भी हालत में यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता, 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता। जबकि जो मैंने सवाल दिया है आपको, हाँ यार, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जीरो हटा भी दें तो ये नंबर भी तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये नंबर भी तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? आपके बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 किसी भी सूरत में नहीं आ सकता, है ना, मेरी बात समझे या नहीं समझे, बोलिए ना सही है या गलत सही। तो इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसका मुझे नहीं पता सर है या नहीं, लेकिन तीनों नहीं है इसलिए मेरा ये आंसर होगा, है ना। मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 256 और डबल जीरो इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए क्या होगा, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो आप इसे ऐसे लिखेंगे ना कि 256 गुना 100, तो रूट 256 अलग निकालेंगे और 100 का वर्गमूल अलग निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 10 आ जाएगा। इसका मतलब इस 256 का भी तो इंडिविजुअली आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसका भी तो मेरे बच्चा इंडिविजुअली स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, अगर आप इसका अलग से स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे वर्गमूल नहीं निकालेंगे फिर तो बात ही नहीं बनेगी, है ना। तो अगर आप इसका इंडिविजुअली स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 6 हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो आप कहेंगे हाँ सर फिर ये आंसर बन सकता है, क्या होगा मुझे अभी नहीं पता या मैं अभी नहीं सीख पा रहा हूँ या सीखा पा रहा हूँ कि 16 का है किसका, लेकिन मैं इतनी बात समझता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल में ये होता कि 257 इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा है, तो आप कहेंगे देखिए सर इसे लिखेंगे 257 गुना 100, तो सर इसका तो स्क्वायर रूट कंफर्म निकल जाएगा, 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 7 नहीं हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 8, 2, 3, 7 और 8 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट नहीं हो सकते। यही मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है, करीबन 5-6 पॉइंट है, उन सारे पॉइंट पर आज हम डिस्कस कर लेंगे, तो उसका फिर आसानी से किसी भी नंबर को छाटना है, ठीक है। हाँ जी देखिए यार क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखे मैं पढ़ के समझाता हूँ, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज हैव लास्ट टू डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ लास्ट टू डिजिट फ्रॉम 1 to 24, ये मेरी ही अंग्रेजी बनाई हुई है तो थोड़ी खतरनाक समझ कम आई, मैं हिंदी में लिखवाता हूँ, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक सदैव वही हो सकते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंकों में, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी जो दो डिजिट होंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसके आखिरी जो दो डिजिट होंगे ए बी ई ए और ये आखिरी दो डिजिट, ये हर हाल में आखिरी दोनों अंक, ये हर हाल में आखिरी दोनों अंक क्या हो सकते हैं, उस बात पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए आखिरी दो अंक वही होंगे जो इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी दो डिजिट 1 से 24 तक के, यानी 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, आखिरी में 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, 64 हो सकता है, 81 हो सकता है, 00 हो सकता है, 21 हो सकता है, 44 हो सकता है, 69 हो सकता है, 96 हो सकता है, यही हो सकता है।
One of the following is a perfect square number. Perfect square number. निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए, बी, सी. बताइए यार, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? आई एम जस्ट आस्किंग यू व्हिच वन ऑफ दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इनका मतलब है जो हो सकता है, जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है, उसकी संभावना क्या करता है. किसी ने ए बताया, किसी ने सी बताया, किसी ने डी बताया, किसी ने बी बताया. तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने नियम बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसके आखिरी जो दो डिजिट होंगे वो एग्जैक्टली वही हो जो 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर में किसी के भी दो अंक हो, जैसे 74. हम चेक करते हैं कि 74 किसी का आखिरी दो डिजिट है. देखिए, 25, 36, 49, 64, 81, 00, 21, 44, 49, 95, 25, 56, 89, 24, 61, 00, 41, 84, 29, 76, 25. है ना? तो हमने देखा कि भैया 74 किसी भी नंबर के आखिरी दो डिजिट नहीं है. इसका मतलब ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं. अब आते हैं 75 पे. क्या 75 आखिरी दो डिजिट हो सकता है? तो करते हैं जी कोशिश. दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को. अब दिखाई दे रहा है. अब देखिए, 74 क्या किसी का हो सकता है? 74 था नहीं, 75, सॉरी 75. तो 25 है, 75 तो कहीं पे भी नहीं है, 76 जरूर. इसका मतलब 75 भी किसी नंबर का आखिरी दो डिजिट नहीं है 24 तक के स्केल. इसका मतलब ये भी मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. अब देखते हैं क्या 19 हो सकता है किसी नंबर का आखिरी दो डिजिट किसी परफेक्ट स्क्वायर के. 1 से 24 तक चेक करो बस. तो चेक कर रहे हैं तो 19 कहीं पे भी नहीं आ रहा, 19 कहीं पे भी नहीं आ रहा. इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होने का मतलब उसके आखिरी दो 4 से डिवाइड होंगे.
कैसे आंसर सवाल बनेगा इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए मेरे पहले बच्चों ऑप्शन है ए बी सी डी, 8 2 3 9 6 6, 8 2 3 4 8, 8 8 6, बताइए मित्रों इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हो सकता है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट किसी भी हालत में 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता, फाइनल पहला नहीं पता है। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8 है तो ये तो यूनिट डिजिट हो नहीं सकता, इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वेयर नहीं। ठीक है जी, अब आते हैं, यहाँ 6 है हो सकता है, यहाँ 6 है हो सकता है, यहाँ 4 है हो सकता है, लेकिन मैंने अभी ये देखा कि सारे के सारे इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो मैंने अभी एक नियम पढ़ा कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है और अगर वो इवन है तो उसके लिए जरूरी है कि वो 4 से कौन से भाग जाए, 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और 4 से एग्जैक्ट डिवाइड वही होता है जब किसी संख्या के आखिरी दो डिजिट 4 से भाग हो जाए। तो यहाँ देखते हैं कि क्या इसके आखिरी दो 4 से भाग हो रहे हैं, 4 से 4 से भाग होता है, नहीं तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है। क्या 86 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होता, तो ये मेरे पहले जो एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है। क्या 74 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ये भी मेरे पहले जो मेरा परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं, ये भी मेरे पहले जो हमारा परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं। क्या किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसका मतलब इनमें से कोई सा भी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं। अब इस नियम को पढ़िए और जानिए इसमें क्या लिखा है मैंने। कह रहा है कि एवरी परफेक्ट स्क्वेयर डेसिमल नंबर ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कोई डेसिमल में नंबर है जैसे ए बी सी और यहाँ पॉइंट समथिंग समथिंग डिजिट है और ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है, तो ये बात तो तय हुई हमारी समझने की है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वेयर होगा और अगर उसमें डेसिमल है तो उसका जो स्क्वेयर रूट होगा वो भी डेसिमल आएगा। यानी अगर डेसिमल में नंबर है, ऐसे करके डेसिमल में नंबर है, तो ये तय है कि जिसका परफेक्ट स्क्वेयर हो रहा होगा ना वो नंबर भी दशमलव में होगा, वो नंबर भी मेरे पहले जो किसमें होगा दशमलव, ऐसी बात है। अब एक बात आप सोचिए, अगर मैं 1.2 लिखूँ और 1.2 का स्क्वेयर करूँ तो बेसिकली इसका यही बना कि भाई 12/10 बनाई, 1.2 मतलब 12/10, तो 12/10 कवर करेंगे 140/100 बनेगा, तो जो यहाँ 10 था वो आप सो होगा, तो आंसर आया 1.44, 1.44, मेरी बात समझे कि नहीं। मान लीजिए अगर मैं आपको कह दूँ कि भैया 1.25 बताइए, तो आप ही कहेंगे सर इसका मतलब बनाए 125/100, क्योंकि यहाँ दो अंक के बाद 10 मतलब 10 बाद होंगे तो 2 0 आई, वर्क करेंगे तो 125 कवर बटे 4 0। अब 125 कवर आपको पता है 25 कवर 625 हासिल आ गई 6 और 150 156 है ना, तो इसका उत्तर आएगा 101.5625। तो मेरे पहले क्या समझे यहाँ से आप, यहाँ से आप ये समझे कि अगर एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ 2 पे आएगा, अगर यहाँ 2 पे है तो 4 पे आएगा, अगर यहाँ 3 पे है तो वहाँ 6 पे आएगा, अगर यहाँ 4 पे है तो वहाँ 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका उत्तर होगा उसमें डेसिमल के बाद या तो 2 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, इवन नंबर में उसके डिजिट होंगे डेसिमल के बाद, है ना। क्या नंबर ऑफ डिजिट इवन होंगे, ऐसे लिखा नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल वो इवन नंबर में होंगे, है ना। कह रहा जी 2.3 लीजिए, गधे 2.3 ले लेगा तो इसका वर्क करेगा तो 23 का 529, तो आएगा 5.29। तो आपने एक डिजिट लिया तो इसका डबल यानी 2 डिजिट पर डेसिमल में, भाई ये परफेक्ट 2.3 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, 5.29 परफेक्ट स्क्वेयर है, इस बात को समझिए, है ना, पक्का क्लियर है चीज। एग्जांपल पे लेते हैं, मैं लिखूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए मेरे बच्चों, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ए बी सी डी। मैंने लिखा 28.876, 28.38597, 1.4489, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, और भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, बताइए मित्र विच वन ऑफ देम एज ए परफेक्ट स्क्वेयर, उनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, उनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हिंदी में टाइप करा दो, इसमें है क्या जो तुम हिंदी करोगे, तुम्हें भी इंग्लिश का पेपर देना, शर्म करोगे, एक करा जी प्यार में धोखा हो गया। अच्छा भैया तो मेहनत कर और तू भी इस काबिल बन।
तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर डेसिमल में है तो डेसिमल के बाद इवन नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। यहां चार है, हो सकता है आंसर, या दो दो चार और एक पांच, ये आंसर नहीं होगा। यहां चार है, हो सकता है, यहां पे भी चार है, हो सकता है। यानी एटलीस्ट मैं एक ऑप्शन यहां पे एलिमिनेट कर पाया, सर बी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। अब मुझे पता है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके आखिरी डिजिट दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, सात नहीं हो सकता, आठ नहीं हो सकता। ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है ना, मतलब मेरे पैर में जो सात इसका यूनिट डिजिट है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि सात यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है ना। तीन भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आते हैं ए पे, तो हमने देखा कि सर यहां पे इवन नंबर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इवन नंबर। और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है तो ये तय है कि वो इवन तभी बनेगा जब किसी इवन का वर्ग हुआ होगा, है ना। और इवन का वर्ग हुआ होगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 से भाग जाना चाहिए, तो ये चूंकि इवन दिखाई दे रहा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हर हाल में 4 से भाग जाना चाहिए। लेकिन क्या 4 से 66 भाग जाता है? आप कहेंगे नहीं जाता, तो इसका मतलब सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब नन ऑफ दिस इज योर राइट आंसर, है ना। दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा, इतने सारे तरीके सिखा दे रहा हूं, ये सारे तरीके बनाने पड़ेंगे पेपर में, ऑप्शन में से, क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं सेटिंग में से, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर निकालने की किसी की हिम्मत नहीं होगी ना। मैं निकालने जाऊंगा पेपर में, हाँ मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा पेपर आप निकाले उसे। हमें बहुत सारी तरकीबें हैं इनका इस्तेमाल करना, कि कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है ना। तो हमें हमने अब तक क्या सीखा, पहली चीज हमने सीखी कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इवन नंबर में आएंगे। दूसरी चीज हमने देखी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है तो उसके आखिरी दो डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। तीसरी बात हमने ये देखी कि भैया आखिरी डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते है ना। या और कुछ बातें बता दी मैंने तुम्हें, हाँ एक मैंने ये बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके आखिरी दो डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक के वक्त के आखिरी दो अंक होते हैं। 1 से 24 तक के आखिरी दो अंक होते हैं, वही आपके मतलब दो अंक होंगे, ठीक है। नहीं बताया, अब आ जाते हैं जितना मर्जी ये तो बाद में बताना है, एक नियम छोड़ दिया साला, हाँ 7, 8, 9 एक नियम छोटा हुआ इसमें, एक नियम लिखा देता हूँ। एक नियम है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका हिंदी लिखा देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ एंड्स विद 5 देन इट्स डेसिमल प्लेस डिजिट मस्ट बी 2। हिंदी में लिखो तो, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 है तो हर हाल में उसका दहाई का अंक, दो होगा, दहाई का अंक 2 होगा। देखिए पक्का ध्यान दीजिए, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 5 है तो हर हाल में उसका दहाई का अंक 2 होगा। मतलब कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अगर उसका आखिरी डिजिट 5 है, तो आप बंद करके दिमाग में टेंशन लिए लगा दीजिए कि आखिरी से अगला अंक 2 होगा। अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 5 है तो मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में उसका दहाई का अंक डेसिमल प्लेस वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, कोई संदेह नहीं, कोई बुराई। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो मुझे चर्चा में भाग करें और बताएं, ठीक है। डेसिमल नहीं, मतलब दशमलव वाली, मतलब दहाई का अंक की बात हो रही है, डेसिमल 10th डिजिट, 10th प्लेस। देखो यार मेरा भी है ना हिंदी मीडियम में, 10th प्लेस डिजिट मस्ट बी 2, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश हम पूरी करेंगे इंग्लिश की, आइए और बताएं। और यार एसएससी जो है ना वो डरने का खेल नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा 2014 में सिलेक्शन हुआ एक्साइज इंस्पेक्टर पे, तो एक अच्छी बात ये भी थी कि 2014 का पेपर आसान भी था, है ना, प्री हुआ मीन्स दोनों ही आसान थे, तो मैं ये कहूँ कि बहुत मुश्किल पेपर था, मैंने तुरंत का काम कर दिया, ऐसा नहीं है, बहुत आसान पेपर था। लेकिन मीन्स में तो आप जानते हैं कि 200 नंबर की इंग्लिश होती है, 200 नंबर का मैथ होता है। अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट है मैं, तो मेरे लिए मैथ तो कोई हर्डल था ही नहीं, लेकिन इंग्लिश में भी तो एक हर्डल रहती है। तो सच बता रहा हूँ, मैंने कोई बहुत खास तैयारी नहीं करी थी, आधी एक सप्ताह पढ़ाई करी थी मीन्स एग्जाम से पहले, इंग्लिश पढ़ी थी मैंने, और मैं तुक्केबाजी से काम करके आया था पेपर में, लेकिन तुक्केबाजी मैंने बड़ी सोच समझ समझ के लगाई थी, है ना। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इतने टाइप के भी ना बने, इतने उल्टू टाइप भी ना बने कि वो हर एक चीज में चाहे कि हिंदी बना दो, मुझे मैंने डेसिमल लिख दिया, जबकि मुझे हिंदी में लिखा तो मेरे समझ में आया डेसिमल तो दशमलव को कहते हैं, ये तो 10th डिजिट हुआ दहाई का, तो इसमें वही नहीं लिखते, समझते नहीं यार वही नहीं। जैसे पेपर में आया कि भाई बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5, 7, 8, 5 5, 7, 7, 5 6, 4, 2, 5 ठीक है, ठीक 6, 2, 2, 5 हो गया, 8, 4, 9, 5 इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो देखिए 5 आ रहा है सब क्या करेंगे, लेकिन 10 डिजिट 2 होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे ये सच में नहीं पता कि हैवी कि नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये चारों नहीं, ये तीनों नहीं हो सकते, तो बचाए कि इसके चांस हो सकते हैं, हो गया नहीं, वो नहीं पता लेकिन चांसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका एक नियम रहेगा, उस पर आते हैं, डिजिटल सम, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो हर हाल में 9 10 नहीं होगा, अगर 9 पब्लिक 0 ऐसे 9 होगा या 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा, ये मैं कहता हूं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम इन चीजों में से कोई होगा, हो सकता है आप में से किसी ने डिजिटल सम आसान पढ़ा हो, तो मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूं, उसका डिजिटल सम भी मैं आपको बताऊंगा जब वक्त आएगा। तो डिजिटल सम देखिए मेरे दोस्तों, डिजिटल सम क्या होता है, बेसिकली अगर हम किसी नंबर को 9 से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 30 और मैं कहूँ कि यार इसे 9 से भाग दो, 9 से भाग दो, शेष बताइए क्या आएगा, तो भाग देंगे 9 3 27 माइनस का कितना बचा, 3 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ में ये कहते हैं कि अगर आपको किसी संख्या को 9 से भाग देना है तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, जो नंबर है ना उसमें उसके अंकों का योग कर लो, 3 तो उसमें उसके अंकों का योग कर लो, यानी 3 और 0 को जोड़ो क्या है 3, तो वही इसका शेष आएगा, ठीक है जी। जैसे मैं आपको कह दूँ कि भाई 128 को 9 से भाग दो, बताइए शेष क्या आएगा, 9 से भाग देंगे आप इसे, तो 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9 बचा कितना जी 3,
फिर 38 9 36 बचा कितना जी तुम, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो शेष वाला है वो आपका 2 है, आपका जो शेष वाला है मेरे प्यारे बच्चों क्या है 2, तो आप यहाँ से क्या समझे, आप यहाँ से ये समझिए कि अगर आप इसके अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे तो भी वो 2 ही आएगा, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि 9 से भाग दे रहे हैं तो जिन अंकों का योग 9 हो जाता है उसे हम शेष जीरो कह देते हैं, है ना। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई 54 को 9 से भाग दो, 54 को 9 से भाग दो, तो आप कहेंगे 9 से 54 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है यानी जीरो आ गया शेष वाला, अब आप कहेंगे सर इसके अंकों का जोड़ करें तो 5 और 4 9 बना, तो ये तो जीरो नहीं है, इसलिए क्योंकि 9 को 9 से भाग दोगे फिर जीरो आ जाएगा, यानी अंकों का योग 9 हो या जीरो हो एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ आप से देखेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 8 11, अंकों का योग करेंगे 1 और 1 कितना है, तो शेष वाला मेरे बच्चे भाई, है ना, पक्की बात शेष वाला कितना। तो दूसरी बात, आपको इतना डिटेल भी अंकों का योग करने की जरूरत नहीं, आप ये देखा करो कि 3 अंकों का योग 9 हो जा रहा है, 8 और 1 9, तो बाकी अंक जो बचे उनको जोड़ना है। जैसे मैं आप एक एग्जांपल के तौर पर लिखूं 5 6, मैं कहूँ इसे 9 से भाग दे रिमाइंडर नहीं आएगा, तो देखिए मेरे पहले 9 से भाग देते 9 6 54 बचा 2 9 3 27 0 9 9 81 8, फिर बचेगा 83 तो 9 9 81 2 9 2 18 6 9 6 54 9 6 54 54 8 9 9 81 0 7 बचेगा, यानी इसका शेषफल आएगा 7। तो मुझे इसका शेषफल निकालने में 9 से भाग देते तो इसका शेषफल निकालने में बहुत सारा समय लग गया है ना, लेकिन आपको इतना समय लगाने की जरूरत नहीं, पैसे दिखा रहे हैं कि किन अंकों का योग 9 हो जाए, जिनका योग 9 हो जाए उसे हटा दो, जैसे 7 और 2 9 हो गया, 9 अपने आप में 9 है, 5 और 4 9 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, बचा कितना 7, यानी इसका शेषफल 7 है मेरे पहले बच्चे, इसका शेषफल आएगा 7 है। तो ये जो डिजिटल सम है इसका मतलब ये है रिमाइंडर रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 कि जब 9 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, यही डिजिटल सम कहलाता है, मतलब 9 से भाग देने में जो शेषफल आता है उसी का नाम हमने डिजिटल सम रखा हुआ है। और एग्जांपल ले लेते हैं 8 1 3 12 7 21, मैं कहूँ बताओ यार इसे 9 से भाग दो शेषफल क्या आएगा, आप सबसे पहले देखिए कि 9 से कौन कौन सा कट जा रहा है, 8 और 1 9 9 से 9 कट गया, 2 और 7 9 हो गया जी, 3 और 1 4 2 6, 2 8 और 1 9 पूरा हो गया, यानी हम इसका शेषफल 0 भी लिख सकते हैं, इसका शेषफल 9 भी लिख सकते हैं, यानी इसका जो डिजिटल सम है वो 0 भी लिखा जा सकता है और 9 भी लिखा जा सकता है, मेरी बात समझ पाए। आइए केवल 9 के लिए ही होता है, मतलब 9 से भाग देने पे जो शेषफल आता है उसी को हम डिजिटल सम बोलते हैं, समझे मेरी बात। तो अब मेरे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, अगर हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्केल कर रहे हैं, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्केल कर रहे हैं, या फिर एक आ सकता है, यहाँ देखा
या फिर चार आ सकता है या फिर सात आ सकता है, समझ रहे हैं ना, नौ आ सकता है, चार आ सकता है, जीरो आ सकता है, एक आ सकता है, सात आ सकता है, नौ आ सकता है। तो नौ जीरो तो एक ही बात होती है, एक चार सात और नौ, यही हमारे डिस्टल सम आ सकते हैं। यही मैंने ऊपर लिखा है जो कॉन्सेप्ट लिखा है कि डिस्टल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर मस्ट बी नाइन, आइदर जीरो और नाइन, कुछ भी लिख लो, वन पोर्शन, यही उसके डिस्टल सम हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता पक्का। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, प्यार हो गया, मेरे प्यारे बच्चों मुझे यहाँ बताना कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्केयर है, ये मुझे समझाना। तो जब मैं परफेक्ट स्केयर देखूंगा तो मेरी नजर में सबसे पहला नियम तो यह आएगा कि भैया किसी भी परफेक्ट स्केयर नंबर का यूनिट डिजिट दो तीन सात या आठ नहीं हो सकता। अगर कोई है तो सबसे पहले डिजिट तो दो तीन सात आठ में से कोई भी नहीं। हाँ, पहला नियम ये बताया था मेरे बच्चों। बोलो, दूसरा नियम ये बताया था कि अगर किसी परफेक्ट स्केयर नंबर का यूनिट डिजिट पांच है तो हर हाल में उसके आखिरी दो डिजिट दो पांच होंगे, यानी टेंथ डिजिट दस दहाई अंक दो पांच होगा, वो है। इसका मतलब ये हो सकता है, पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई। फिर ये बताया था कि अगर कोई परफेक्ट स्केयर नंबर इवन है तो हर हाल में उसके आखिरी दो चार से भाग जाने चाहिए। तो आपने देखा चौरासी आठ और चार भाग चला जा रहा है, चौबीस ये भी भाग चला जा रहा है, इकसठ, मतलब इकसठ इवन है नहीं तो इसमें नियम लगेगा, मतलब ये भी परफेक्ट स्केयर हो सकता है, ये भी परफेक्ट स्केयर हो सकता है, ठीक है जी। मैंने एक नियम और भी बताया था, सारे नियम को रिवाइज करा देता हूं। ना पर जो मांग मैंने जो है निकाल, एक नियम ये बताया था कि अगर कोई परफेक्ट स्केयर नंबर होगा तो उसके एंड में दो जीरो आखिर में होंगी ही होंगी, ही ना दो होंगी, चार होंगी, छह होंगी, अगर नहीं तो बताते ये इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जीरो है ही नहीं। अब और आ जाते, फिर ये भी बताया कि अगर कोई भी परफेक्ट स्केयर नंबर होगा तो हर हाल में उसके आखिरी दो डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक के परफेक्ट स्केयर के आखिरी होंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं, चेक कर रहे हैं तो अच्छा, एक नियम ये भी बताया था कि अगर कोई डेसिमल में होगा तो डेसिमल पर दो अंक होंगे, चार अंक होंगे, ऐसे होंगे। तो मुझे ये देखना है कि भाई मेरा पहला नियम हो गया अप्लाई दो तीन सात आठ आएगा, दूसरा अप्लाई हो गया पच्चीस इवन वाला भी अप्लाई हो गया, अभी मेरा डेसिमल का बचा वो है नहीं, ठीक है जी। और मेरा कौन सा बच गया, अभी मेरा नियम था कि आखिरी दो अंक 1 से 24 तक के परफेक्ट स्केयर के आखिरी दो अंक, फाइन, रूल नंबर 6 में क्या लिखा है पढ़ के बताता हूं, रुक जाओ। गधे नहीं, नहीं लिखा, वही हो सकते हैं, ये वही लिखा है। अब आ जाइए, देखिए जी ये अपना सवाल था, हाँ ना, तो हमें देखने आखिरी दो अंक क्या होता है, तो देखते हैं चौरासी के आखिरी दो अंक आ रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं, इसका ना चौरासी हो सकता है, चौबीस के आखिरी दो अंक हो सकते हैं जी, तो देखते हैं जी चौबीस के आखिरी आखिरी दो अंक हो सकते हैं किसी के, तो चार नौ सोलह पच्चीस छत्तीस चौबीस कहीं आ रहा है, चौबीस कहीं आ रहा है, चौबीस कहीं आ रहा है, हाँ जी 324 आ रहा है, ये भी हो सकता है। उसके बाद था जी इकसठ कहीं हो सकता है, देखते हैं जी इकसठ भी हो रहा है, ये रहा जी 304। अब हमने सारे ही नियम लगा दिए, लेकिन सारे नियम लगा के हम फंस के बैठ गए और हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्केयर है, कौन सा परफेक्ट स्केयर नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको डिस्टल सम अप्लाई करना चाहिए, अगर उससे भी नहीं निकलेगा फिर तो डिटेल सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो डिस्टल सम अप्लाई करते हैं, आइए डिस्टल सम लगाते हैं, तो इसका डिस्टल सम लगाएंगे तो छह और तीन नौ, पांच और चार नौ, आठ और सात पंद्रह, पंद्रह का मतलब ना एक और पांच छह। और डिस्टल सम में अभी बताया क्या क्या हो सकता है, जीरो या नौ हो सकते हैं, एक हो सकता है, चार हो सकता है, सात हो सकता है, छह नहीं हो सकता, इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं, कटा मार दिया, ठीक है। यहाँ आते हैं पांच चार नौ, पांच दो सात दो नौ, क्या बचा जी छह, डिस्टल सम छह है, ये भी परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं हो सकता। यहाँ आते हैं छह और तीन नौ, ठीक है जी, सात और दो नौ, आठ और चार बारह, बारह का बना जी एक और दो तीन, तीन परफेक्ट स्केयर नंबर का डिस्टेंस नहीं हो सकता क्योंकि जीरो नौ या एक या चार या सात हो सकता, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए जी पांच और इसमें तो आठ और एक नौ कट गया और दूसरा नहीं तो जोड़ते हैं, पांच और छह ग्यारह, ग्यारह और सात अठारह, अठारह और छह चौबीस, तो चौबीस करेंगे तो चार दो छह, तो ये भी मेरा परफेक्ट स्केयर नंबर है, इसका मतलब इनमें से कोई भी परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं होगा, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो शायद मैंने आपको परफेक्ट स्केयर की आत्मा समझाने की आज कोशिश की कि कोई भी परफेक्ट स्केयर नंबर होगा तो इन इन कसौटियों पे उसे खड़ा उतरना होगा। अभी कसौटियां आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, आज जो ये ऑप्शन दिए मैंने रैंडमली कुछ भी उठाकर डाल के पेपर में, मतलब यहाँ पे सवाल क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता इनमें से कौन सा था नहीं था, मैंने तो सिर्फ अपनी बात को अप्लाई कराने के तरीके समझाने चाहिए थे। कल हम जो करेंगे पेपर के क्वेश्चन करेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन करेंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होंगे, कुछ में कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, कल हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज मेरा केवल केवल एक यही उद्देश्य था कि आप इसकी जितने भी नियम हो सकते हैं परफेक्ट स्केयर के वो नियम आप जान लें, इनसे हमें बहुत सारे सवालों में मदद मिल जाएगी। शायद अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो अतिशयोक्ति ना हो तो 100% क्वेश्चन में भी हमें इसकी मदद मिल जाएगी, यानी 100% क्वेश्चन में हम परफेक्ट स्केयर छाटने में इस तरीके से कामयाब रहेंगे। और मैं आपकी बात को ऊपर कर लेता हूं कि मान लेते हैं कि किसी सवाल में दिक्कत होती है और कोई सवाल थोड़ा सा लेंदी बनता है और इन तरीकों से सोल्व नहीं होता है, तो आप गुस्सा होने की जगह ये सोचिएगा कि अगर आपसे नहीं बनना तो मतलब किसी भी बच्चे से नहीं बनना होगा, तो हर बच्चे को इसे फिर डिटेल ही करना पड़ेगा, तो फिर आपको भी बिना किसी संकोच से डिटेल कर लेना होगा, ठीक है। तो कल मैं आपको इसका डिटेल निकालना सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम के क्वेश्चन उठाएंगे और फिर बहुत सारे सवालों के स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं। आज के लिए इतना ही, जो मुझे कह रहे हैं वो कौन सी ले, आप तीन, मैं बोलता हूं पीयूष बुक की लिंक भेज देंगे, पास तीन बुक आप ले सकते हैं, एक एडवांस मैथ की बुक आती है, एक अरिथमेटिक की बुक आती है, एक तीसरा वाली बुक आती है, इन तीन के अलावा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।